सिंगरौली बेड़न क्षेत्र में स्क्रैप कारोबार के नाम पर एमपीईबी का तार केवल पोल काटने वाले तस्करी करने वाले गिरोह विशेष को पुलिस ने भारी मात्रा में कीमती सामान और बाइक के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला ने किया खुलासा। कोतवाली नगर निरीक्षक मनीष त्रिपाठी की टीम की बड़ी सफलता। कबाड़ की आड़ में बिजली विभाग का तार पोल काटकर करते थे तस्करी। दो दिन पहले इसी गिरोह का एक साथी जयप्रकाश तार काटते समय आ गया था करंट की चपेट में, हुई थी मौत। साथियों ने लाश को दूर जंगल में छुपाकर हो गए थे फरार। उसी बिना पर पुलिस की टीम ने पतासाजी कर मुख्य सरगना को किया गिरफ्तार। रामाज्ञा सिंह के अलावा अजय पानी का, शिव सागर पानी का, शरीफ खान को गिरफ्तार किया गया है एवं विभिन्न अपराधों में मुकदमा दर्ज कर विवेचना जारी है। हो सकते हैं बड़े खुलासे। पिछले काफ़ी समय से जिले के अलग अलग हिस्से से ये खबरें आ रही थी कि बिजली के तार कट किए जा रहे हैं। लोकल लोगों द्वारा चलती लाइन से अलग अलग तरीके अपना के इन तारों को कट किया जाता है और फिर आसपास के इलाकों में इनको डंप किया जाता है, बेचा जाता है। इसके हम लोग लगातार तलाश कर रहे थे, हमारी टीमें लगी हुई थी, कुछ हमको सुराख मिले और ऐसे लोगों की हम पतरसी कर सकें। इसमें 17 तारीख को हमें एक डेड बॉडी मिली थी ग्राम चगोड़ा में, थाना बैढ़न क्षेत्र लगता है। जब हमने इसका अवलोकन किया तो पाया कि इसकी डेथ करंट लगने से हुई है और ये सामान्य करंट लगने वाली बात नहीं थी। इसमें जब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में गए तो हमें पता लगा कि ये लोग भी बिजली के तार काटने गए थे और ये एक नहीं बल्कि और कई सारे लोग थे इनके साथ में, और उस समय ऐसी दुर्घटना घटित हुई है। जब हमने और पतरसी की, इनके साथियों का पता लगाया, तो हमें मिला कि ये लोग, इनके और जो साथी थे दो, उनके नाम भी हमें पता लगे। हमने उनको पिक किया, उनसे पूछताछ की, तब उन्होंने हमें बताया कि वो कैसे तार कट किया करते थे और कहाँ ले जाकर उसे बेचा करते थे। इस पूरी श्रृंखला में जो चार लोग थे उनमें से एक की मृत्यु हो चुकी थी और तीन को हमने गिरफ्तार किया है। इनसे अब तक हमें 1.5 क्विंटल का बिजली का तार, घटना में प्रयुक्त हुई मोटरसाइकिल और कट करने वाली सामग्री बरामद हुई है, जो हमने अपनी कस्टडी में लिया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने हमें और भी कई नाम बताए हैं जो गिरोह हैं, जो यहाँ पे सक्रिय हैं, जो लगातार तार कटिंग की वारदातें कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगले कुछ दिनों में हम उन तक भी पहुँचेंगे और संभवतः इस मामले में और भी बरामदगी होगी। अभी सर बड़ी बात यह है कि चलती लाइट में ये तार काटे जाते थे, निश्चित रूप से इनके पास अपने अलग तरीके के कटर्स हैं। ये लाइन में फॉल्ट किया करते थे और उसके बाद ये चलती लाइन से काटते थे, जो कि बहुत ही रिस्की काम है। उसी वजह से संभवतः जो ये व्यक्ति था जिसने प्रयास किया उसकी मृत्यु भी हुई है, लेकिन लोग तब भी इतना रिस्क लेते हैं और ऐसा काम। सिंगरौली से ग्राउंड रिपोर्ट और उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।